चोरों ने मचाया आतंक, एक ही रात में तोड़ डाले 5 दुकानों के शटर, चोर कैश लेकर हुए फरार। अब पुलिस को भोला कहेंगे या चोरों को शैतान, नहीं थम रही फिरोजपुर में दिन दहाड़े ही चोरी और लूटपाट की घटनाएं। जानकारी देते हुए करियाने की दुकान के मालिक अशोक गुप्ता ने बताया, जब वे सुबह अपनी दुकान का शटर खोलने लगे तब उन्हें पता लगा कि उनकी दुकान के दोनों शटर टूटे हुए हैं। अशोक गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था और दुकान के गल्ले में से लगभग 7,000 के करीब रुपए चोरी हुए थे। इस पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आकर मौका भी देखा। उनकी दुकान के साथ अमृतसरी हट्टी, जो कि एक नान बनाने के नाम से बहुत मशहूर दुकान है, उनकी दुकान का भी शटर टूटा हुआ था। उनका सामान भी बिखरा हुआ था और तथा उनके गले में से लगभग 500 से 700 रुपए थे, जो कि चोर चोरी कर ले गए। ठीक अमृतसरी हट के बिल्कुल सामने दूसरी करियाने की दुकान चंदू लाला एंड सन्स की दुकान का भी ताला टूटा हुआ था। दुकान के मालिक ने बताया कि लगभग 700 से 800 रुपए के सिक्के थे और चोर सारी भान ही ले गए। इसके अलावा रामभाट रोड पर स्थित ब्यूटी पार्लर में भी ताला तोड़कर लगभग 1500 रुपए कैश पड़े थे, वह भी चोर ले गए। फिर पांचवी चोरी, बाजार नंबर 1 नजदीक डीएवी स्कूल के पास किराने की दुकान का भी ताला तोड़कर चोर कैश लेकर फरार हो गए। स्थानीय दुकानों ने कहा है ये कोई छोटी बात नहीं है, दुकान के शटर तोड़ने के लिए सबल तथा हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब पुलिस ने पीसीआर को सारी रात बाजार में निगरानी करने के लिए ड्यूटी लगाई है। अब मसला ये है कि पीसीआर उस समय कहां थी जब चोर धड़ल्ले से बिना खौफ चोरी कर रहे थे। स्थानीय दुकानदारों ने कहा है कि हमने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना था कि बदलाव होगा, बदलाव का तो पता नहीं, किंतु चोरी की आपराधिक घटनाएं रोजाना बढ़ती हुई जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों ने पुलिस प्रशासन और नेताओं से विनती की है कि चोरी और आपराधिक घटनाओं पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। फिरोजपुर से संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज नेटवर्क। बंदा दुकान खोली है, ये क्या नाम, एक तो शटर का क्या नाम, जो पत्ती टूटी पड़ी थी शटर पे, ये क्या नाम, जो उसमें तालों पे छत मारी हुई है। उसके बाद कैमरा चेक करने लगा, कैमरे का डायरेक्शन चेंज करी हुई थी उन्होंने। अच्छा, कैमरा लगा हुआ था बाहर? कैमरा बाहर लगा सामने। अच्छा, तो कितना को नुकसान हुआ आपका? नुकसान कोई नहीं हुआ, ताले बस कोशिश करी है उन्होंने, कोई जाग पड़ा है या कोई निकला है, वहाँ से सवारी निकली है, उस दौरान जो है बस वो भाग गए। फिर उसके बाद उसके बाद कैमरा डायरेक्शन चेंज कर दी ना उन्होंने, उसके बाद हमें नहीं आ रही क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने। नुकसान का बचाव हो गया। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन क्या यही इंतजाम करें, क्या ना सुधार करें कोई आगे के लिए। हमारी चोरी पहले भी हो चुकी है, गले में दिन दिहाड़े पैसे निकाल के ले गए थे, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के सामने, इंस्पेक्टर के सामने चोर ने कबूल कर लिया कि 1800 रुपये थे, हमने अंदाजा 10,000 रुपये लगाए थे, उसकी कबूल ही नहीं उन्होंने कुछ कर लेके दिया। हम क्या कर सकते हैं? कितने दिन पहले ये चोरी हुई थी? ये 2 साल पहले की बात है, अंदाजा खबर और नोट है हमारी, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई हुई है हमने। आज भी रिपोर्ट लिखाई आपने? नहीं, आज तो वहाँ से गुजर के हमारा बेटा वहाँ खड़ा था, जो 3 चोरी हुई हैं वही हमारा भतीजा लगता है, जो चोरी हुई है शनि मंदिर के बाद, तो वहाँ खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी भी कोशिश करिए ताले तोड़ने की। फिर SHO वगैरह आए थे, देख के चले गए बस। एक काय की दुकान करते हो आप? मेरा धूपर का पतिकर फैक्ट्री के हेड में। तो क्या हुआ? दुकान में चोरी हुई है और 3-4 आगे बीच में चोरी हुई है, कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, दिन दिहाड़े भी चोरी होती है, यहाँ पे कोई देखा कोई है नहीं है। पुलिस रिपोर्ट माने की चोरों को पकड़ा जाए, उनको जल्द से सजा दी जाए, उनको छोड़ा ना जाए। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की है? पुलिस ने रिपोर्ट करी है। तो आए थे पुलिस वाले, ऐसे लिखे गए नाम लिखे गए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम जाके कार्रवाई करते हैं और बाकी जो बंदे हैं पुराने उनको पकड़ के देखते हैं। तो क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि पुलिस बता दें कि चोरों को जल्दी पकड़ा जाए और उनको जमानत पर छोड़ा ना जाए, उनके लाते बांध तोड़ दे भी जाए।